पिशाचनी के सारे प्लान होने वाले हैं फेल। माता रानी ने दी पवित्रा को शक्तियाँ। वेल, यहाँ बात हो रही है कलर्स टीवी के मोस्ट इंटरेस्टिंग शो पिशाचनी की, और आने वाले ट्रैक में बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह रॉकी जो है उसे एहसास हो जाता है कि इस घर में कुछ न कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं, और ये बात वो पवित्रा से कहता हुआ नजर आता है कि इस घर में कुछ न कुछ काली शक्तियां ही हैं, और वो काली शक्तियां किसी और की नहीं बल्कि रानी की हैं, और उधर से ही ये नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। साथ ही इस प्रोमो में हम देखते हैं कि पिशाचनी जो है वो पवित्रा का गला घोटती हुई नजर आती है और बोलती है कि अब मुझे महापिशाचनी बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इस दशहरे मैं महापिशाचनी का ताज अपने सर पर पहनने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि पवित्रा के पास माँ काली की शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसके बाद विजयदशमी के मौके पर पवित्रा जो है वो पिशाचनी का महापिशाचनी वाला ताज अपने त्रिशूल से तोड़ देती है, जिसके बाद पिशाचनी का पूरा घमंड चूर चूर हो जाता है। मतलब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे होती है पवित्रा और पिशाचनी की विजयदशमी पर लड़ाई, और आखिर किसकी विजय होती है इस दशहरे पर। वेल, वो तो आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा, बट टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।